दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के एनसी हॉस्टल खाली कराने की अफवाह के बाद दर्जनों छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पर मौजूद प्रशासनिक अफसरों ने छात्रों से वार्ता कर उन्हें शांत कराया और उन्हें आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी छात्र को हॉस्टल से निकाला नहीं जाएगा। साथ ही जो छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन्हें किसी भी हाल में हॉस्टल के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय छात्र नेता नितेश मिश्रा ने कहा, कौन कह दिया? यही लोग ऐसा भी ना सुन बच्चे 3 बच्चे आए थे मैं बस ये चाहता हूँ सभी बच्चे ये चाह रहे ना क्या हॉस्टल खुले तो सब खुले नहीं तो कोई भी नहीं खुलेगा। प्रोफेसर नहीं आ गए सब बंद होगा। नितेश मिश्रा, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। ये यहाँ पे हम लोग परसों जो हम लोग धरना दिए थे उस चीज़ को देखते हुए कुलपति जी ने कहा था कि छात्रावास खाली नहीं किया जाएगा, अगर जो लीगल स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो छात्रावास खाली नहीं करेंगे। लेकिन कुछ आज हमारे DSW ने अपना एक नोटिस जारी किया है, उस नोटिस जारी में ये लिखा है कि 30 तक किसी भी शर्त पर हॉस्टल खाली करना है। उसी मुद्दे को देखते हुए आज हम NC छात्रावास के जो बच्चे हैं यहाँ पे आए हैं, DSW से मुलाकात किए हैं, तो इस चीज़ को पता चलते हुए मैं भी आया हूँ। तो DSW से बात हुई, DSW ने कहा है कि इस तरह का कोई बच्चे अपना लिखित अपना समस्या बताएं और किसी को छात्रावास खाली नहीं करना है। वो NC का हो या विवेकानंद छात्रावास का हो या बुद्धा का हो या कबीर का हो, किसी को भी छात्रावास खाली नहीं करना है। हाँ, ये है कि जो अवैध लड़के हैं उनको छात्रावास खाली करना है, बाकी जो वैध लड़के हैं, जो लीगल स्टूडेंट हैं, वो यहीं पर रहेंगे।